ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर चल रही है, नीचे कर लो हाथ। अब सेकेंड ईयर में वो लोग हाथ उठाना जो बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब की भी मानते हैं। ऐसे लोग कितने हैं ईमानदार, तुम्हें कसम है तुम्हारे बता बता दो, झूठ मत बोलना। बाबा साहब को मानने के साथ बाबा साहब की बात भी मानते हैं, ऐसे कितने लोग हाथ उठाना। हाँ जी शर्मा मत, जो मानते हैं वास्तव में। देख लो ये आप एक कॉलेज का हिसाब किताब पढ़ रहा है। हाँ जी प्रधान जी, आप ही बुला के लाए ना, तो देख लो ये सिग्नेचर हो जाएंगे। अच्छा आप भी नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में आज भी मनवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा की देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, ऐसे कितने लोग हैं ईमानदार जी बताओ। हाँ तो फाइनल ईयर में तो अच्छा खासा है, लेकिन सेकंड ईयर में सब ग्रेस मार्क से पास हुए, कोई फर्स्ट डिवीजन से पास ही नहीं है। तो मेरा कहने का साथ ये मकसद ये नहीं है, सुन, क्योंकि बाबा साहब को मानने से मिशन नहीं चलेगा। बाबा साहब को या तथागत बुद्ध को मानने से मिशन नहीं चलेगा, बाबा साहब की मानने से मिशन चलेगा, क्योंकि को और की में बड़ा अंतर है साथियों। आइए इस गीत को मैं उसी तौर पर देता हूं, क्योंकि आज हमारा समाज जय भीम बोल करके अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है। वो कह देता है मैं जय भीम बोल रहा हूँ, बस मैं जय भीम वाला हूँ और कुछ काम करना ही नहीं है। भक्त और अनुयायियों में यही अंतर होता है। भक्त जो होते हैं वो अपने इष्ट के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती धूपबत्ती जला देते और छुट्टी, लेकिन जो अनुयायी होते हैं वो अपने इष्ट के अपने आदर्श के सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं। जिस तरह से आज धर्मगुरु सूरज राही जी अपने जीवन को और अपने आप को देखो भूलवश से कहां पर साथ दे रहे हो गए। चलिए ये गीत खासकर मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं लेकिन आज भी स्मोक करते हैं, नशा बीड़ी सिगरेट गांजा चरस भाई साहब बहुत करते होंगे, अब हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। तुम लोगों के लिए लिखा है खासकर, ध्यान देना इस गीत पर, ठीक है। आइए सुने साथी। की बोल वाले भाई कि तुम जो चले गए तो और होगी बड़ी खराबी। आप भी सुने, आप भी ध्यान दें, ठीक है। मनोज भाई बंदे कि तुम जो चले गए तो और होगी बड़ी खराबी। बहुत पुराना गाना है, रवि जी और लता जी ने गाया है कि तुम दिल में बंद कर लो दरिया में फेंक दो सुने साथियों क्या दे रहा हूं। कि कल सोच होगी उल्टी कि मिशन ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हाथ ना हुआ खाली लेकिन स्पीड पर पकड़ेगा मिशन। सुने कि कल सोच होगी उल्टी गुरु जी, कल सोच होगी उल्टी तो उल्टा चलन चलेगा। कौन कौन मानता है इस बात को, उल्टी सोचोगी तो उल्टा के साथ उल्टा ही रहेगा। कि कल सोच होगी उल्टी तो उल्टा चलन चलेगा। इस बात को मान लो मेरी को छोटी सी, क्या कि तुम छोड़ दो नशे सब तब ये मिशन चले। तुम छोड़ दो नशे सब तब ये मिशन चले। सुने यहां तुम, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी संगत खराब हो यारो, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी संगत खराब हो यारो, क्यों जबकि बर्बाद कर रही है तुमको शराब है।
और जो इंसान शराब पिएगा मिसल में उसकी इज्जत नहीं है। फिर कोई शख्स तेरी, फिर कोई शख्स तेरी और यहाँ इज्जत नहीं करेगा। और तुम त्याग दो नशे सब, त्याग दो नशे सब, उन लोगों से कह रहा हूं कि सुट्टा मारते हैं, समझ रहे हैं स्मोकिंग वाले, सब आप समझ रहे हैं क्योंकि शराबी नहीं भोसते लोग भीड़ इकट्ठा तक उड़ाते हैं। सुने सुने से ईमानदारी से सारे नशों को भाग देंगे आज कसम से बाबा साहब कि तुम छोड़ दो नशे सब। इस बात का भी प्रचलन बहुत लाखों को लग चुका है बीमारियों का झटका। यही बुलवा दिया था ना मुरैना के मंच पर, मुरैना के मंच पर यहीं से सुनो। लाखों को लग चुका है बीमारियों का झटका, हद हो गई है तुझसे फिर भी चाहता है हद हो गई है तुझसे फिर भी छुपा चलाए गुटका। बीमारियों में फिर कर, बीमारियों में फिर कर, और तू एक दिन मरेगा। और त्यागो सभी नशों को, त्यागो सभी नशों को, बहुत सारी बहने और बहुत सारी माए बुद्ध जी मेरे माता साथ से सुन रही होंगी, लेकिन जीवन माता सुनने का मतलब ये नहीं कि यहां से सुनाओ घर जाके निकाल दिया, ये मतलब नहीं कि नहीं जी बहुत अच्छी मुद्रता गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे। जब तक उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप उसको अपने आचरण में नहीं उतारोगे। Thank you.
दिखा दो श्री।